हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर भारत के उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण किया एवं उसकी उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर इस मैदान का वर्गीकरण करेंगे। इस आधार पर इस मैदान को चार भागों में बांटा गया है, जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहला है अपना पंजाब और हरियाणा का मैदान। यह मैदान पंजाब हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैला हुआ है। सतलज, ब्यास और रावी नदियां यहाँ बहती हैं। इस मैदान में अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती और दुष्दवती नाम की नदियां बहती थीं। समय के साथ साथ ये नदियां विलुप्त हो गईं। इसके पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियां समाप्त होती हुई मिलती हैं। नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को बेट कहते हैं। रावी और व्यास नदियों के बीच के भूभाग को अपर बारी दोआब और सतलज और व्यास नदी के बीच के भूभाग को बिस्त दोआब तथा सतलज के दक्षिण की ओर के भूभाग को मालवा मैदान कहते हैं। इसके और अधिक दक्षिण में हरियाणा का मैदान है। नेक्स्ट है राजस्थान का मैदान। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसमें मरुस्थली और बागड़ क्षेत्र भी शामिल हैं। मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक अंग है जो बालू के टीलों से सुसज्जित है। कहीं कहीं पर ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टाने पाई जाती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक अंग रहा है। यहाँ बालू के टीलों की प्रधानता है। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो कि एक मौसमी नदी है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं और अनेक झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे साभर, डीडवाना, डेगना, कुचामन और लून करनसार। ये नमकीन झीलें हैं। साभर सबसे बड़ी झील है जो जयपुर के पश्चिम में है। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना और सोन हैं, जबकि बाएं किनारे पर गंडक, घाघरा, कोसी प्रमुख नदियाँ हैं। इस मैदान पर नदियों का जाल सा फैला हुआ है। बरसात के समय इन नदियों में बाढ़ भी आ जाती है। भूआकृतिक दृष्टि से बागड़ और खादर इसके दो भाग हैं। इस मैदान को कई उपभागों में बांटा गया है, जैसे गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्यवर्ती मैदान, गंगा का निचला मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब पहला है अपना गंगा का ऊपरी मैदान। यह मैदान पश्चिम में यमुना से लेकर पूर्व में गंगा यमुना के संगम स्थल इलाहाबाद तक फैला है। गेहूं, गन्ना यहाँ की सबसे प्रमुख उपज हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा
शारदा, गोमती और घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है गंगा का मध्यवर्ती मैदान। यह मैदान इलाहाबाद से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। चावल यहाँ की प्रमुख उपज है। गंडक, घाघरा, सोन और कोसी इस मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ स्थान स्थान पर धनुषाकार झीलें हैं। यहाँ की नदियों में बाढ़ अधिक आती है। नेक्स्ट है गंगा का निचला मैदान। इसके अंतर्गत उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण वेस्ट बंगाल को शामिल किया गया है। बिहार का किशनगंज का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। यहाँ वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। चावल, जूट यहाँ की मुख्य उपज हैं। मैदान का उत्तरी भाग तिस्ता, जलढाका और टोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान असम राज्य में फैला है। इसको असम घाटी भी कहते हैं। यह एक लंबा और पतला मैदान है। इस मैदान को बनने में भारी मात्रा में मिट्टी लाकर एकत्रित की गई और मिट्टी के भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। उत्तर का विशाल मैदान भारत का हृदय है। यहाँ भारत की 45% जनसंख्या निवास करती है। गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होने के कारण, सिंचाई की सुविधा के कारण यह मैदान गिफ्ट ऑफ हिमालयाज माना जाता है। इस मैदान का आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। यह मैदान काप मिट्टी से बना है जिसकी उर्वरा शक्ति बहुत अधिक है। भारत में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों का अधिकांश भाग यहीं पैदा होता है। यहाँ की जलवायु विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए बहुत अधिक उत्तम है। इस मैदान में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। इन नदियों में से अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलने के कारण सदावाहनी हैं। इन नदियों का जल भूमि को जीवन प्रदान करता है। इस मैदान की मिट्टी मुलायम है, इसलिए कुएं और नहरें खोदने की सुविधा है। मैदानी भाग में नदियों की चौड़ाई अधिक होने के कारण और ढाल धीमा होने के कारण उनका उपयोग जलमार्गों के रूप में किया जाता है। यह मैदान समतल होने के कारण परिवहन की दृष्टि से सुविधाजनक है। रेल मार्ग और सड़क बनाने के लिए ये बहुत अधिक सूटेबल है। यही कारण है कि यहाँ रेल मार्गों और सड़कों का एक जाल सा बिछा हुआ है। यातायात की उन्नति ने यहाँ आंतरिक व्यापार को एंकरेज किया है। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अमृतसर, लखनऊ, लुधियाना, चंडीगढ़, पटना, भागलपुर, आगरा और कोलकाता जैसे औद्योगिक नगर यहाँ बसे हुए हैं। इस मैदान के जिन भागों में नदियाँ जहाँ कहीं भी जलप्रपात बनाती हैं वहाँ पर जल विद्युत तैयार की जाती है। यह मैदान सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। भारतीय इतिहास में इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का वर्णन मिलता है। यह तीर्थ स्थानों की जन्मभूमि है। यहाँ पर मथुरा, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, पटना, गया, कुरुक्षेत्र और वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थान मिलते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उत्तर का विशाल मैदान भारत का एक विस्तृत खेत है। शताब्दियों से नदियाँ इस खेत में माली का काम कर रही हैं। इन मालियों ने इस धरती को उपजाऊ और मुलायम बना दिया है, जिससे इसे जोतना और सींचना
सुगम हो गया है। तो बच्चों, आज हमने भारत के उत्तर के विशाल मैदान के का प्रादेशिक वर्गीकरण और उसके महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।